पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू हो रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। जिसकी तैयारियों के लिए क्रिकेटर ने भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम के कप्तान अजहर अली साउथहैम्पटन में फतह के साथ सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म हैं। इनका कहना कि प्लेयर्स की भरपूर सपोर्ट हासिल है। पहला टेस्ट हारे लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली, पिच देखकर 11 का फैसला करेंगे। फास्ट बॉलर्स नौजवान लेकिन बासलाहियत हैं, तजर्बा खेलने से आएगा, इनको भरपूर सपोर्ट करते हैं। इंग्लिश ऑलराउंडर्स और टेल एंड्स के लिए बॉलिंग प्लान बनाया है, कोशिश करेंगे कि इनको रन्स ना करने दें। इंग्लिश टीम हमेशा लोअर मिडल ऑर्डर में ज़्यादा मुजाहमत करती है, हमें इनको जवाबी हमलों से रोकना होगा। पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं, इंग्लैंड में कंडीशंस मुश्किल होती हैं। वेस्ट इंडीज़ समेत किसी टीम के बैटिंग में तसलसल नहीं रहा, मैच में हर कोई नहीं जो सेट हो जाए रन्स करता है। तनकीद करने वालों की अपनी राय है, असद शफीक की और अपनी परफॉर्मेंस में वापसी के लिए पुरअज़्म हूँ। ज़रूरत पड़ने पर कबल अज़ वक्त खेल शुरू करने की हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि मौसम क्रिकेट के लिए साजगार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें।